हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैरिचा हमारी साइंस की एक क्लास रहेगी, स्पेशली यूपी टेट वाले बच्चों के लिए जो यूपी टेट अपर लेवल का एग्ज़ाम अर्थात 6th से 8th वाला एग्ज़ाम दे रहे होंगे उनके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सारे टॉपिक्स SCERT बुक से लिया गया है फ्रेंड्स, और हमारे यूपी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आज के हम अपने इस वीडियो में दोस्तों उत्सर्जन तंत्र को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट हो सके। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप हमारे चैनल के नए सुनने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों, हम अपने आज के इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र, जिसे हम इंग्लिश में एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। थोड़ा सा उत्सर्जन तंत्र के बारे में आप पहले जान लीजिए, ये होता क्या है, इसका कार्य क्या होता है। दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है, जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, और जिस तंत्र के द्वारा यह शरीर से बाहर निकलता है उसे उत्सर्जित तंत्र कहते हैं। सजीव कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। इन क्रियाओं के समय कुछ बेकार एवं विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जो कोशिकाओं अथवा शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते हैं, उन्हें ही हम उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ये तो रहा दोस्तों हमारा उत्सर्जन के बारे में और उत्सर्जन तंत्र के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें और जान लेते हैं कि उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, स्वेदन शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, स्वेदन का मतलब यहाँ पसीने से है, हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है, यह इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि हमारे शरीर में ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, स्वेदन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निर्जलीकरण अर्थात डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के दौरान आमतौर पर शरीर से सोडियम क्लोराइड की हानि होती है, इसीलिए कहा जाता है कि आपको पानी पीते रहना चाहिए हर वक्त, ताकि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो पाए अर्थात पानी की कमी ना हो पाए, वरना आपके शरीर से सोडियम क्लोराइड की हानि होती रहती है। तो ये हमारे जो स्किन है ये भी एक उत्सर्जन तंत्र का कार्य करती है, क्योंकि यहाँ से पसीना बाहर निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपोहन का प्रयोग गुर्दे की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को डाइयूरेटिक कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डिटेल स्टडी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं पॉइंट को देख रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होगा। बाकी इन सब के डिटेल स्टडी के लिए बहुत कुछ है, उसके लिए एक अलग से वीडियो मिल जाएगा आपको बाद में। अभी हम यूपी टेट का एक फास्ट रिवीजन के तौर पे ये सारे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मूत्र का असामान्य घटक एल्ब्यूमिन होता है। तो हमारे मूत्र का एक जो असामान्य घटक होता है यह एल्ब्यूमिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वृक्क से पानी वसा तथा विभिन्न अपचय अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं। तो हमारे किडनी से पानी, फैट और विभिन्न कैटाबोलिक जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो उत्सर्जित होते रहते हैं। शरीर में जल की मात्रा का संतुलन वृक्क के द्वारा ही होता है। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि हमारे शरीर में जल का संतुलन किसके द्वारा होता है, तो यह वृक्क के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, रक्त में लवण की सांद्रता का नियमन वृक्क द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव में पाचन नाल की लंबाई 33 फुट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यकृत का वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गुर्दे किडनी की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे किडनी की जो क्रियात्मक इकाई है वो क्या होती है दोस्तों, तो वह नेफ्रॉन होती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, वृक्क यकृत फेफड़ा तथा त्वचा मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं। जैसा कि हमने सबसे पहला ही पॉइंट देखा था कि पसीना हमारे त्वचा से निकलता है, तो हमारी त्वचा जो है यह एक उत्सर्जी तंत्र का काम करती है, फेफड़ा हमारा उत्सर्जी तंत्र, और वृक्क और यकृत, तो ये चारों हमारे शरीर के उत्सर्जी तंत्र होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मूत्र का पीला रंग किस वजह से होता है, तो यह यूरोक्रोम की वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वृक्क में पाई जाने वाली पत्थरी कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। तो आप देखे होंगे अक्सर किडनी में स्टोन की शिकायत हो जाती है लोगों को, तो यह स्टोन कैसे बनता है किडनी में, तो यह कैल्शियम ऑक्सलेट के जमा हो जाने से बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र अर्थात यूरिन का त्याग करता है, तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पता होना चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, वृक्क द्वारा मुख्यतः नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन किया जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों और क्या है हमारे इंपॉर्टेंट, हमारे एग्जाम के लिए जो जरूरी है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि मूत्र में सामान्यतः 95% जल होता है, 2% लवण होता है, 2.7% यूरिया एवं अल्प मात्रा में यूरिक एसिड पाया जाता है। तो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है कि सुलभ कॉम्प्लेक्स या उसके बाहर से जाते वक्त आपको यूरिया के स्मेल क्यों आती है, तो यह यूरिया हमारे मूत्र में मिला होता है जिसकी वजह से ऐसे जगहों से यूरिया की स्मेल आती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे अधिक विषैली उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होती है। दोस्तों सबसे जो बहुत ज़्यादा विषैला होता है वो अमोनिया होता है, यह उत्सर्जी पदार्थ होता है। अब आपको कमेंट के माध्यम से बताना होगा कि अमोनिया किन जीवों का उत्सर्जी पदार्थ होता है। आगे देख लेते हैं और क्या है हमारे काम की चीज़। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्भवती एवं स्तनपात कराने वाली महिला के मूत्र में क्रिएटिनिन पाया जाता है। तो जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं या जिनके बच्चे होते हैं वो जिनका स्तनपात वो कराती हैं, तो उन महिलाओं के मूत्र में क्रिएटिन पाया जाता है। और आगे देख लेते हैं और हमारे काम की क्या चीज़ है इसमें से। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। तो ये सारी चीज़ें आप रट डालिए, बाकी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें अलग से एक डिटेल स्टडी के तौर पे हम वो सारी चीज़ें दूसरे वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, कीटों एवं पक्षियों का प्रमुख उत्सर्जी अम्ल यूरिक अम्ल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कीटों के बारे में और पक्षियों के बारे में बताया गया है कि इनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वह यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, श्वास नली की लंबाई 12 सेंटीमीटर के लगभग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर की आंतरिक ग्रंथियों से होने वाले स्राव को हार्मोन कहा जाता है। तो यहाँ हार्मोन की डिफिनेशन दी गई है कि हार्मोन कहा किसे जाता है। दोस्तों हार्मोन आंतरिक ग्रंथियों से होने वाले स्राव को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर में शक्ति का संचार करने वाला हार्मोन थायरोक्सिन होता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन से हमारे शरीर में शक्ति का संचार होता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट है, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ने लगती है, इसे ही घेंघा रोग कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो घेंघा रोग कैसे होता है, यह आयोडीन की कमी से होता है। और हम इसमें क्या होता है, जब घेंघा रोग होता है तो थायराइड ग्लैंड बढ़ने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा कि शरीर में रक्त में कैल्शियम नियंत्रण का कार्य पैराथायरॉयड ग्लैंड करती है। तो यहाँ थोड़ा सा ग्लैंड के बारे में बता दिया गया है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड का क्या कार्य होता है। यह शरीर के रक्त में कैल्शियम नियंत्रण का कार्य करती है, हमारे ब्लड में कैल्शियम के कंट्रोल का कार्य पैराथायरॉयड ग्लैंड करती है। तो दोस्तों ये हमारे उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंकाल तंत्र को एक शॉर्ट रिवीजन के तौर पे कह लीजिए या शॉर्ट नोट्स के तौर पे देख लेंगे। तो आपको उत्सर्जन तंत्र समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें अपनी राय और सुझाव जरूर दिया करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। कुछ चीज़ें और उत्सर्जन तंत्र के बारे में जान लीजिए। इसे मलोत्सर्ग प्रणाली भी कहा जाता है। यह एक जैविक प्रणाली होती है जो जीवों के भीतर से अतिरिक्त अनावश्यक या खतरनाक पदार्थों को हटाती है ताकि जीव के भीतर होमियोस्टेसिस को बनाए रखने में मदद मिल सके। तो ये क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जन तंत्र के द्वारा बाहर निकलता है, इससे मनुष्य के भीतर होमियोस्टेसिस जो प्रोसेस होती है उसको ये एक संतुलित अवस्था में बनाए रखती है और शरीर के नुकसान को रोका जा सकता है।
जीवों, इसी को एक आसान भाषा में कहा जाए तो जीवों के शरीर से उपापचयी प्रक्रमों में बने